नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के मारे जाने के बाद अब राजनीति सियासत गर्म हो चुकी है। प्रदेश में जगह जगह पर राजनेता अपने अपनी तरह से बातें कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी पहुंचे सु भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर पर मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने पहले कहा कि प्रवासी श्रमिक किसी भी राज्य का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी चेकिंग चल रही है। वहीं 2.5 लाख पुलिस कर्मियों को धोखा देते हुए प्रदेश के बाहर निकल जाना बड़ी बात है। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कार्य किया है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने विकास दुबे के एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज से निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिल करके इस एनकाउंटर पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए किया है। ये ड्रामेबाजी एक तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। ये कानून को मानने वाले लोग नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विकास उज्जैन के मंदिर में 2 घंटे तक घूमता रहा, उसे एक गार्ड ने फिर हिरासत में लिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि इसके बाद ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का तुरंत बयान आता है कि पुलिस मुठभेड़ में खूंखार अपराधी विकास दुबे गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब है कि वो विकास दुबे को पहले से ही जानते थे। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कानपुर में ड्यूटी लगी थी, प्रभारी बनाए गए थे वो कानपुर चुनाव के। इसकी भी जाँच होनी चाहिए। 3 साल से वो उसके ऊपर 60 अंक पद में लिखे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर राष्ट्रीय गैंगस्टर क्यों नहीं लगाया, उसको जेल में क्यों नहीं भेजा? और 8 दिन से वो फरार है, 2.5 लाख पुलिस उत्तर प्रदेश की खोज रही है और वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। और कल उज्जैन में जिस तरह वो दाखिल होता है सुबह महाकाल मंदिर में, और वो महाकाल मंदिर में उपस्थित होकर के 2 घंटे फोटो खिंचवाता है, और उसके बाद वहाँ का प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के साथ जिस तरह आप लोगों के चैनल पे हमने देखा कि वो चल रहा है, आम आदमी की तरह वो जा रहा है। अगर जो आज पुलिस एसटीएफ आरोप लगा रही है कि वो भागा, उसको अगर भागना था तो वो आम आदमी की तरह उज्जैन में जाकर के प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के साथ बाकायदे वो जा रहा है थाने की तरफ, फिर उसके बाद वो सुरक्षा कर्मी फोन करता है, पुलिस आती है, उसको ले जाती है। जब पुलिस उसे पूछताछ करती है तो बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। जो पुलिस उसको पकड़ रही है तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का झूठा बयान आ रहा है कि हमारी पुलिस ने मुठभेड़ में उसको पकड़ा। अरे महाराज, काहे झूठ बोल रहे हो? ये कहो कि फरीदाबाद से हमने उसको भागा के यहाँ से ले यहाँ तक ले आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हमारी पुलिस ने बड़ी काम किया है, पुलिस का पीठ थपथपा रहे हैं। क्या काम किया है? प्राइवेट जो सुरक्षा कर्मी है उसका नाम आप नहीं ले पा रहे, अपनी पीठ थपथपा रहे। आप उठा के देखिए, वहां अगर उसको भागना होता तो महाकाल मंदिर में जाकर के वो 2 घंटे टहलता क्यों? और ये योजनाबद्ध तरीके से जो बयान उन्होंने उज्जैन में दिया है विकास दुबे ने, उस बयान से अधिकारी कर्मचारी सरकार मंत्री विधायक सब लोग उसमें फंस रहे थे, जिसके वजह से विधायक जिस तरह फंस रहे थे वो अपने को बचने के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर किए। क्या लग रहा है अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं खुल के नहीं बोल रही हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले उनसे सिंपैथी लेने का मामला है? नहीं, देखिए, देश में कानून है, अगर वो पकड़ा गया तो उसको बाइज्जत कोर्ट में पेश करना चाहिए, और कोर्ट में आप स्पेशल कोर्ट बना करके उसको फांसी दे देते तभी न्याय मिलता। ऐसा नहीं कि नहीं न्याय मिलता, तभी जिन लोगों के चाहे सीओ मारे गए हैं, चाहे पुलिस मारी गई है, चाहे इंस्पेक्टर मारे गए हैं, उनको न्याय मिलता। आप स्पेशल कोर्ट बना करके आप चाहते तो 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर न्याय दे देते, फांसी कर देते, लेकिन आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार का जो राज खुल रहा था उसको 8 दिन तक भगाने में जो राज खुल रहा था, जो अधिकारियों का संरक्षण था वो राज खुल रहा था, जो नेताओं का संरक्षण था, सरकार का संरक्षण था, उसको बचाने के लिए छुपाने के लिए उसका एनकाउंटर किया गया। एक अंतिम सवाल ये है कि क्या लग रहा है, कई ऐसे राज हैं जो खुलने चाहिए थे, सामने आने चाहिए, तो उसको छुपाने के लिए इस तरह की? देखिए, जो 3 साल तक बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने 3 साल तक विकास दुबे को संरक्षण दिया, उस संरक्षण में आपने देखा कि कानपुर के एसपी का नाम आया,
चौबेपुर थाने के 68 लोगों को वहां सस्पेंड किया गया। अभी एसटीएफ के डीआईजी जो वही कानपुर के एसपी थे, जब मामला देवेंद्र दुबे का जो पत्र जो उनकी बेटी ने किया, उसके बाद एसटीएफ के डीआईजी को हटाया गया। तो इसी तरह तमाम अधिकारी उसमें सम्मिलित थे उसको बचाने में, तो वो राज खुलासा होता, जिसके वजह से उसमें सबसे बड़ा खुलासा तो जो हरुखा फरीदाबाद से जो उसको भगा करके उज्जैन पहुंचाया गया है, जिस तरह के बयान गृह मंत्री मध्य प्रदेश का आया है, ये तमाम चीजें संदेह के घेरे में है कि बड़े बड़े लोग इसमें आते, उनको बचाने के लिए उसका एनकाउंटर किया गया है। अब आप क्या मांग करेंगे कि जो अभी इनकाउंटर हुआ है वो उसका जो भेद है वो खुले सामने आए? देखिए, हाई कोर्ट के वर्तमान जज से उसकी जांच कराई जाए, और एजेंसी तो सरकार की जेब में हो गई। आप उठा के देखिए, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, इन्हीं लोगों के कहने पर सारे काम हो रहे हैं, तो कैसे उम्मीद किया जाए? जो देश की आजादी में पहली बार बीजेपी के पक्ष में जो फैसला दिया वो राज्यसभा बन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो कैसे मान लिया जाए कि हम सीबीआई से उम्मीद करें, ईडी से उम्मीद करें? आप अंत में क्या कहेंगे इस पूरे एनकाउंटर को, आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, तमाम मंत्री विधायक अधिकारियों को बचाने के लिए ये उन्होंने एनकाउंटर किया है? इसकी जांच मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के जज से करा दिया जाए। दूध का दूध पानी का। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।